फाइनली वही हुआ जो चाहती थी अवनी। जी हाँ, बता दें आपको कि अब तक जो कुछ भी अवनी चाह रही थी, तब से जब से अवनी ने संभाला था अपना होश, वो सब अब अवनी को मिलेगा एक ही दिन के अंदर। क्योंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि कैसे रिया बनाने जा रही है घर से भागने का प्लान, क्योंकि वो ना चाहती है नील से शादी करना और ना ही अब चाहती है नील के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना। तो एक बार फिर से शादी वाले ट्रैक में हो गए हाई वोल्टेज ड्रामा, जिस ड्रामे के अंदर रिया बदल जाएगी अवनी से, यानी कि रिया वाकई भाग जाएगी दयावंती के घर से और दयावंती को लग जाएगी इस बात की खबर, और इसी वजह से इतनी शर्मिंदा हो जाएगी दयावंती कि भाई अब अपनी इज्जत की भीख मांगने लगेगी अवनी से, और साथ ही कहेगी अवनी को कि रिया तो क्योंकि भाग चुकी है तो इसी वजह से अब रिया की जगह अवनी बैठ जाए नील के साथ मंडप में, क्योंकि एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो दयावंती अपने आप ही झेल लेगी। हालांकि पहले तो अवनी इस बात से करेगी इनकार, लेकिन फिर अवनी सोचेगी कि इसके बाद से इससे अच्छा मौका शायद ही अवनी को मिल पाएगा दयावंती को अपने पैरों की नोक पर रखने का। तो इसी वजह से अवनी के सामने जब गिड़गिड़ाएगी इस तरह दयावंती, तो दयावंती की बात मानकर अवनी अब अपना एहसान और साथ ही दयावंती को नीचे दिखाने का मौका ढूंढ लेगी। और इस शादी को करके जो इज्जत बचाने वाली है अवनी दयावंती की, तो अब उसी इज्जत को कैसे चकनाचूर करेगी अपनी माँ का बदला लेकर ये अवनी, ये देखना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, अपने फेवरेट शो से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट को जानने के लिए। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।